हेलो, ये चैप्टर है 2.2। सो वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। अगर आप लोग को कहीं पे प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में है 6x² - 3 - 7x। तो बहुपद को हमें सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है, एंड बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c। तो 6x² - 7x - 3 बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म। सबसे पहले हमें इस तरह इसको मैनेज कर लेना होगा बहुपद को। अब क्या करना पड़ता है कि बीच वाले संख्या को, यानी यहाँ पे -7x है, उसको हमें दो पदों में विभाजित करना होता है, मध्य पद विभक्त करना होता है। तो 6x², अब हम लोग -7x को क्या लिख सकते हैं, -7x को हम लोग -9x + 2x लिख सकते हैं, और यहाँ -3। तो मध्य पद विभक्त करने का एक ट्रिक होता है, जैसे कि हमें जो साइड में संख्या है उसको हम लोग इंटू करेंगे, 6 × 3 हो जाएगा 18। फिर 18 का अगर हम लोग इस तरह से निकालते हैं तो 2 × 9, और फिर आगे भी निकालते जाएंगे तो 2 × 3 × 3। यहाँ हमें थोड़ा समझना होगा कि कैसे संख्या बैठेगा। तो 2 × 3 × 3 करेंगे तो 9, तो 2 × 9 हो जाएगा 18। तो हमें इस संख्या को देखना होगा कि किस संख्या में 7x आएगा, -7x मतलब 7x आएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं, अगर 9 से हम लोग -2 करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर साइड के संख्याओं को इंटू करके निकाला जाए मध्य पद विभक्त तो आसान होता है। तो यहाँ पे -7x को हम लोगों ने दो भागों में विभाजित कर दिया, -9x + 2x। 9x से 2x माइनस करेंगे तो 7x आएगा, सिंबल माइनस का बैठेगा। तो ये दो भागों में विभाजित हो चुका है। अब इसमें और इन दोनों संख्या में देखेंगे कॉमन क्या है। तो सबसे पहले कॉमन आ रहा है 3x, और यहाँ बच गया 2x - 3 + है, प्लस देंगे, इसमें कॉमन नहीं है इन दोनों में, तो कॉमन ले लेते हैं 1, और यहाँ भी बच गया 2x - 3। 2x - 3 2x - 3, और यहाँ बच गया 3x + 1, दो पद आ गए। अब शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे यदि दोनों पद को बारी बारी से लेंगे, यदि 2x - 3 = 0 तो x हो जाएगा 3/2, माइनस था इजिकल का इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और 2 × में था तो भागा में चेंज हो गया। और अब दूसरे पद को लेंगे, यानी 3x + 1 = 0 तो x हो जाएगा -1/3। तो दो शून्यक निकल गए बहुपद के लिए, तो लिखेंगे बहुपद के लिए अल्फा हो गया 3/2 एंड बीटा हो गया -1/3। दो शून्यक निकल गए। अब हमें क्या करने बोला है कि क्वेश्चन में कि गुणांकों तथा शून्यक के बीच उनकी संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, मतलब उसे हमें जांच करना होगा कि उनके बीच क्या संबंध है, उनके सत्यता के बीच हमें जांच करनी होगी। तो जांच करने के लिए लिखेंगे हम लोग अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होता है तो होता है माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a के बराबर। तो अल्फा है 3/2 प्लस, और बीटा है -1/3।
3 माइनस 1 बाय 3, और बी है यहाँ पे बी है माइनस 7, सो माइनस 7, और यहाँ पे अगर माइनस है माइनस, और ए है 6, तो लॉसा लेंगे तो हो जाएगा 6, यहाँ पे 2 3 6, फिर 3 को 3 से इंटू करेंगे 9, माइनस 2, यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस, प्लस 7/6, 9 से माइनस 2 होगा तो 7/6, और यहाँ भी आ गया 7/6, दोनों तरफ इजुकल के दोनों तरफ बराबर के दोनों तरफ एक ही संख्या आया, यानी आपका जांच सही है। फिर अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल का जांच हो गया, अब शून्यकों का गुणनफल की जांच करेंगे, गुणनफल यानी अल्फा बीटा का जांच करेंगे। तो अल्फा बीटा बराबर होता है सी बटे ए के बराबर, सी बटे ए के बराबर अल्फा बीटा सेम होता है। तो अल्फा आया था हम लोग के पास 3/2 गुना, बीटा आया था माइनस 1/3। बहुपद में c है माइनस 3 और a है 6, तो 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3 और 2 इंटू 3 हो गया सॉरी 6, और यहाँ पे आ गया माइनस 3/6। अगर काटते हैं 1 3 6, यहाँ भी यानी हो गया माइनस 1/2 और माइनस 1/2, मतलब इक्वल के दोनों तरफ सेम आया माइनस 1/2, और यहाँ भी जांच करने पर 7/6 और यहाँ आया है अल्फा आया है 3/2, बीटा आया है 1/3, दो शून्य की निकल चुके हैं। तो ये था क्वेश्चन।